बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में स्कूल में नया सवेरा अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे एसपी दिनेश सिंह ने तीन युवकों को नशा मुक्ति केंद्र में उपचार कराकर समाज की मुख्य धारा में शामिल कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। नवभारत समाचार बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। इस अभियान के तहत कितने लोगों को आपने उसका छुटकारा दिलाया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जनपद में विगत 5 महीनों से एक नया सवेरा अभियान चल रहा है, जिसको कि मैं कहूँगा एक होलिस्टिक अभियान है। 360 डिग्री पर हम काम करते हैं। एक तरफ नशा बेचने वालों को उठाना घात, जिस क्रम में मैं कहूँगा कि मेरे जनपद में बहुत अधिक सफलताएँ अर्जित की गई हैं। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो भटक गए हैं, उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना। इस समय करीब 16 बच्चे विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों में मेरे इस समय आत्मसंघर्ष कर रहे हैं। मैं इन्हें आत्ममुक्ति संग्रामी कहता हूँ। और मेरे ये 120 दिन की कठोर साधना के बाद ये तीन बच्चे आज, मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर इन पर कृपा करेगा और ये लोग अपने जीवन को नशे की गिरफ्त से बहुत दूर निकलने के बाद पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हुए अपना जीवन जिएंगे और समाज के सामने एक मानदंड स्थापित करेंगे। और ऐसे बच्चे जो अभी भटके हैं और छटपटा रहे हैं वापस लौटने के लिए, उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। और मैं निश्चित रूप से उनके लिए भी, हमारा पूरा समाज, हम सब मिल करके कार्रवाई करेंगे। और नया सवेरा अभियान का जो दूसरा पहलू है कि बच्चों को वापस ही, जो भटके बच्चे हैं उनको मुख्यधारा में वापस लाना, उसमें हम सफलता अर्जित करेंगे। शेरकोट के और भी बच्चे हैं इन तीन के अलावा? शेरकोट के ये तीन ही थे, अन्य कस्बों के हैं। और अभी मुझे आप सबसे भी अपेक्षा है और आपके माध्यम से सबसे अपेक्षा है, जो जहां है वो इस अभियान में अपना योगदान दे और मुझे सूचना दे। हम उनके घर, उनके परिजनों की तरह उनसे मिल करके पूरा प्रयास करेंगे कि वो बच्चे मुख्य धारा में वापस आए। नशे का कारोबार करने वालों के लिए क्या संदेश? नशे के कारोबार करने वालों के लिए एक ही संदेश है कि उनकी कोई खैर नहीं है और वो कहीं भी होंगे मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। विधान और कानून उनको